ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन पिछले साल जब आया था तो इसमें थोड़ी सी एरर थी, उसमें ये वाली लाइन मिसिंग थी कि कैश एक्सेस टाइम कितना गिवन है, इस बार ये कंप्लीट क्वेश्चन आया है तो ये करेक्ट है। लेट द मेमोरी एक्सेस टाइम इज 10 मिलीसेकंड, मेमोरी को एक्सेस करने का टाइम हमें 10 मिलीसेकंड गिवन है और कैश एक्सेस टाइम हमें गिवन है 10 माइक्रोसेकंड। तो हमें अज्यूम हमें करना है कि कैश हिट अगर 15% है तो इफेक्टिव एक्सेस टाइम कितना होगा, ये ईएटी जो मैंने शॉर्ट में लिखा है, इट मींस इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम। अब पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। एक्चुअली होता क्या है कि मान लीजिए कि आपको सीपीयू को कोई डेटा को फेच करना है, तो अगर किसी डेटा को अगर वो फेच करना है तो पहले कैशे मेमोरी में वो चेक करता है कि उसका एड्रेस अवेलेबल है कि नहीं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक वास्ट टॉपिक है, जब मैं ऑपरेटिंग सिस्टम में आप इसको पढ़ाऊंगा तो इसको डिटेल में पढ़ा दूंगा, लेकिन आपको शॉर्ट समरी दे दे रहा हूं ताकि अगर आप इससे फैमिलियर ना है तो आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या करता है सीपीयू, पहले इस कैशे मेमोरी से उस मेन मेमोरी में आपका जो कोई भी डेटा होता है वो आपका मेन मेमोरी में होता है, ठीक है ना। तो मेन मेमोरी से अगर किसी भी डेटा को अगर फेच करना है, मान लीजिए ए और बी की वैल्यू अगर लेनी है, तो पहले क्या करता है वो कैशे मेमोरी में जाता है, हमारा कंप्यूटर प्रोसेसर चेक करता है, और अगर उसको वो एड्रेस मिल जाता है उस डेटा का तो वो डायरेक्टली वहां से वो डेटा को पिक करके ले आता है। तो इस समय इसको क्या बोलते हैं, हिट, इसको हम बोलते हैं कैशे हिट, मतलब कि हमें कैशे में से उसका एड्रेस मिल गया और हमें मेन मेमोरी में ले लिया। मतलब हमें कितनी बार मेमोरी को एक्सेस करना पड़ा, एक बार तो हमें कैशे मेमोरी को एक्सेस करना पड़ा और एक बार हमें मेन मेमोरी को एक्सेस करना पड़ा। लेकिन मान लीजिए कि अगर उसको एड्रेस नहीं मिला कैशे मेमोरी से तो क्या करना पड़ेगा, उस केस में हो जाएगा मिस, उस केस में क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा। अगर मिस हो जाएगा तो फिर मेन मेमोरी में एक और टेबल मेंटेन होता है जो कि कैशे मेमोरी में ही होता था, लेकिन कैशे मेमोरी क्योंकि लिमिटेड साइज की होती है तो यहां पर पूरा टेबल मेंटेन नहीं होता है। तो उस केस में क्या होगा कि अगर कैशे मिस हो जाएगा तो वो पहले मेन मेमोरी में जाएगा और मेन मेमोरी के उस टेबल से उस डेटा का एड्रेस लेगा और दोबारा से मेमोरी को फिर से एक्सेस करेगा। मतलब अगर कैशे मिस होता है तो मेन मेमोरी को दो बार एक्सेस करना पड़ता है, कैशे को तो एक्सेस एक बार करना ही करना है। तो इसका मतलब कि अगर कैशे हिट होगा तो कैशे को एक बार एक्सेस करना है और मेन मेमोरी को एक बार एक्सेस करना है, लेकिन अगर कैश मिस हो गया तो कैशे मेमोरी को एक बार एक्सेस करना है लेकिन मेन मेमोरी को दो बार एक्सेस करना पड़ेगा। इस तरह से ऑन एन एवरेज इफेक्टिव एक्सेस टाइम कितना होगा यह हमें पूछा गया है। तो अगर इफेक्टिव एक्सेस टाइम का अगर हमें फॉर्मूला अगर बनाए तो इफेक्टिव एक्सेस टाइम का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, इफेक्टिव एक्सेस टाइम कितना होगा, हमें जो हिट का रेशो गिवन है, हिट का जो हमें रेशो गिवन है उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, अगर हिट हो जाएगा तो एक बार कैशे मेमोरी को एक्सेस करना है तो कैशे मेमोरी एक्सेस टाइम प्लस एक बार हमें मेन मेमोरी को एक्सेस करना पड़ेगा तो मेन मेमोरी एक्सेस टाइम प्लस, अगर मान लीजिए नहीं मिला तो क्या हो जाएगा, कैशे मिस हो जाएगा, तो कैशे मिस होता है 1 माइनस हिट, हिट रेशो जो होगा उसको 1 में से माइनस कर देंगे, जैसे कि प्रोबेबिलिटी में कम करते कि अगर हमें गिवन प्रोबेबिलिटी हैपनिंग पता है तो नॉट हैपनिंग निकालने के लिए हम क्या करते हैं 1 माइनस हैपनिंग, उसी तरह से हमें यहां पर हिट रेशो अगर गिवन है तो 1 माइनस हिट कर देंगे तो ये मिस हो जाएगा। तो अगर मिस हो जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार कैशे मेमोरी को तो एक्सेस करना ही पड़ेगा लेकिन मेन मेमोरी को हमें दो बार एक्सेस करना पड़ेगा। तो ये हमारा फॉर्मूला बन के आ जाता है, ठीक है। तो ये आप फॉर्मूला याद रखिए इफेक्टिव एक्सेस टाइम का, ठीक है। अब अगर हम इसको यूज करें तो देखिए हमें हिट रेशो कितना गिवन है 15%, तो हो जाएगा 15/100 इनटू कैशे एक्सेस टाइम हमें गिवन है 10 माइक्रोसेकंड, और 10 माइक्रोसेकंड को अगर मिलीसेकंड में अगर हम कन्वर्ट कर दें तो हो जाएगा 0.001 इनटू सॉरी ऐड, हमें प्लस करना पड़ेगा मेन मेमोरी एक्सेस टाइम, वो कितना गिवन है हमें 10 मिलीसेकंड प्लस 1 माइनस हिट, 1 माइनस हिट मतलब 15% अगर हिट है तो मिस कितना हो गया 85%, तो 85/100 तो ये आपका हो गया मिस इनटू कैशे मेमोरी एक्सेस टाइम अभी हमने निकाला 0.001, तो ये आपका है 0.001 प्लस 2 इनटू 10 मेमोरी एक्सेस। अगर हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.85 मिलीसेकंड्स, क्योंकि हमने मिलीसेकंड में इसको कन्वर्ट कर दिया था, तो हमारा आंसर जो हो गया वो डी इज अ राइट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डज नॉट, नॉट बोला है नॉट, डज नॉट एक्सक्लूसिव और डज नॉट रिप्रेजेंट द एक्सक्लूसिव नॉर ऑफ एक्स एंड वाई, इन चारों में से कौन सा वाला एक्सक्लूसिव एक्स और वाई का नहीं है, एक्स नॉर, एक्सक्लूसिव नॉर मतलब एक्स नॉर, एक्स नॉर की यहां पे बात कर रहे हैं, ठीक है।
अब x नॉर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हमें x और y का, अगर x नॉर अगर हमें निकालना है तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है x नॉर ऑफ y। इस तरह से हम x नॉर को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सक्लूसिव नॉर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और बाय डेफिनेशन अगर हम देखें तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो होता है x बार y बार प्लस x y, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं x नॉट y नॉट प्लस x y। और अगर हम नॉर की बात करें, नॉर गेट कैसा होता है, एक्सक्लूसिव ये नॉर ऑफ y इज इक्वल टू, अगर हम इसको देखें तो इसका डेफिनेशन होती है x बार y प्लस x y बार। तो ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या हो गई है, यहां पर हमें पूछा गया है डज नॉट, तो किस कई सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया यहां पर कि डज नॉट को नहीं देखा और देखा कि x और y का एक्सक्लूसिव नॉर कौन सा है, ए ऑप्शन मैच कर गया उसको टिक कर दिया और आंसर गलत हो गया। हमें पूछा गया है डज नॉट इन चारों में से कौन सा x नॉर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो एक एक करके हम चेक करते हैं। तो देखिए x नॉर की बाय डेफिनेशन फर्स्ट वाला ऑप्शन तो वैसे ही करेक्ट है, इसीलिए सबने ए वाले को मार्क कर दिया, सोचा कि सही तो यही है, लेकिन हमें पूछा है कौन सा गलत है, डज नॉट कौन सा गलत है हमें ये पूछा है। तो फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन तो आंसर सही है, मतलब ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है बाय डेफिनेशन भी हमें पता है, ठीक है। अब बाकी के ऑप्शंस को हम चेक करते हैं, तो देखिए हम बी ऑप्शन को चेक करते हैं तो एक्स नॉर ऑफ वाई बार, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें इस डेफिनेशन के हिसाब से तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स बार वाई, क्योंकि वाई बार एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि हमें वाई एज इट इज लिखना है अगर वाई होगा, और यहां पर वाई बार है तो वाई बार का वाई बार आ जाएगा, और एक्स का बार हो जाता है, एक्स का बार हो जाता है तो हमने एक्स का बार लगा दिया, प्लस प्लस क्या होगा एक्स इंटू वाई बार, तो एक्स इंटू वाई बार, और वाई बार तो ऑलरेडी था, और बार का बार कितना हो जाएगा एग्जैक्ट सेम नंबर, तो ये फिर से देखिए वही की वही बन गया, मतलब ये भी करेक्ट है, ठीक है। अब इसके बाद इसको चेक करते हैं, इसको चेक करें तो एक्स बार वहां पर क्या चेक करना है, एक्स बार इंटू वाई, तो एक्स बार का बार मतलब कि एक्स इंटू वाई प्लस एक्स बार एज इट इज आ जाएगा, और वाई का वाई बार हो जाएगा, तो फिर से ये क्या बन गया, सेम इक्वेशन बन गई फर्स्ट वाली। अब इसको चेक करते हैं लास्ट वाले को, अब हमारे तीन ऑप्शन वैसे रिजेक्ट हो चुके हैं, इसका मतलब हमारा डी आंसर होगा, इसको चेक कर लेते हैं। तो इसका हम अगर एक्स बार का बार मतलब ये हो जाएगा एक्स, और वाई बार हमें एज इट इज रखना है तो ये हो जाएगा वाई बार, प्लस फिर हमें क्या करना है एक्स वाई बार मतलब इसको एज इट इज रखना है तो ये हो जाएगा एक्स बार, और y के ऊपर बार लगाना है तो y के ऊपर बार मतलब बार तो एक ऑलरेडी था तो बार से बार कैंसिल हो जाएगा तो ये y। तो ये जो इक्वेशन है ये डिफरेंट आ गई है, दिस इज नॉट इक्वल टू एक्सक्लूसिव नॉर, ये एक्सक्लूसिव नॉर की इक्वेशन नहीं है, ये किसकी इक्वेशन है, नॉर की इक्वेशन है। तो हमारा डी जो है वो आंसर है, क्योंकि हमसे कौन सा नहीं है वो पूछा है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमें कॉम्बिनेशनल सर्किट गिवन है और यहां पर हमें चार ऑप्शन गिवन है, हमें बताना है कि इसमें से कौन सा वाला सेटिस्फाई करेगा। अब इस तरह के क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं मेथड बाय मेथड अगर करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, इस कॉम्बिनेशन सर्किट को इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है और उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हमें मैच कराना पड़ता है कौन सा है। लेकिन अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें इस तरह से नहीं करना है, हमें क्या करना चाहिए, ऑप्शन को रिजेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ऑप्शन को रिजेक्ट कैसे करते हैं वो देखिए, हमें यहां पर गिवन है तीन इनपुट्स हैं हमारे पास, ए बी सी तीन इनपुट है, तो हमें पता है कि अगर हमारे पास तीन इनपुट है तो हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट्स कितने दे सकते हैं हम, पॉसिबल इनपुट्स 2^3, इसका मतलब 8, तो 8 पॉसिबल इनपुट्स हम दे सकते हैं, कौन कौन से, 000 001, इस तरह से करते करते 111, ऐसे 8 पॉसिबल इनपुट्स हम इसमें दे सकते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 0 या 1, इन दो में से कोई ही एक ऑप्शन 0 में या 1 हमें कोई सा भी एक आउटपुट मिलेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ऑप्शन में पुट करके देखते हैं कि हमें क्या मिलता है कोई भी एक वैल्यू रखने पर, ठीक है। तो हम कोई भी इन आठों में से कोई भी एक नंबर पिक करते हैं, मान लीजिए 001 अगर मैंने पिक किया तो अभी मैं इनपुट देता हूं इसमें 001, ठीक है। अब 001 रखने पर ऑप्शन क्या क्या हमें रिजल्ट देगा, तो देखिए अगर हम 001 अगर हम यहां रखें तो 0+0 0+1 1, तो ये हमें देगा 1। हम अगर यहां पर अगर हम रखें 001 तो 0+1 तो हमें 1 देगा, लेकिन 1×0 हमें 0 दे देगा। अगर हम यहां पर रखें तो अगर हम यहां पर रखें 0 तो बाहर है तो हमें ओवरऑल क्या आएगा 0, यहां पर भी अगर हम 1 रखें तो 0+0 0 हो जाएगा, लेकिन बाहर मल्टीप्लाई करने पर फिर से ये 0 हो जाएगा, ठीक है।
तो ये हमारे पास आउटपुट आ गया 1000। अब इससे हम रिजेक्ट कैसे करेंगे, मान लीजिए कि अगर हमको इसको सॉल्व करके आउटपुट में अगर 1 आ रहा है तो हमारा आंसर डायरेक्टली ए हो जाएगा और बाकी के 3 रिजेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर इसका आउटपुट में 0 आया तो हम ए को रिजेक्ट कर देंगे और बाकी 3 को फिर चेक करेंगे। ठीक है, अब हम यहां से चेक करते, देखिए 0 0, यहां से हम अगर मैं 0 0 1 ये सप्लाई कर रहा हूं, देखिए अगर मैं ए में 0 दे रहा हूं तो यहां पर 0 आएगा, बी में 0 दे रहा हूं, ये है ए, ये है बी और ये है सी, तो ए में 0 दे रहा हूं, बी में भी 0 दे रहा हूं तो यहां पर भी 0 सप्लाई होगा और यहां पर भी 0 सप्लाई होगा, और सी में अगर 1 दे रहा हूं तो यहां पर 1 1 सप्लाई होगा। ठीक है, अब यहां से अगर 0 0 सप्लाई होगा तो ये एंड गेट है तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 0। उसी तरह से अगर मैं इसमें देखूं एंड गेट है तो 0 और 1 सप्लाई किया तो यहां पे भी आउटपुट कितना आएगा, 0। अच्छा, अब हम इस एंड गेट पे देखते हैं तो यहां से हम इनपुट क्या दे रहे हैं, 1, तो यहां पर हम इनपुट 1 दे रहे हैं और यहां पर 0 है तो 0 और 1 का फिर से आउटपुट क्या आएगा, 0। और यहां से इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है तो यहां से 0 इनपुट आ रहा है और यहां से 0, तो 0 0। तो अगर जोर, अगर आपका गेट है तो जोर गेट क्या करता है, अगर डिफरेंट होते हैं तो 1 देता है और सेम पे क्या देता है, 0, तो ये 0 0 सेम है तो यहां पर 0 आउटपुट देगा, और 0 और 0 तो सेम है दोनों, तो फिर से आउटपुट में क्या मिलेगा, 0। तो इसका मतलब 0 आ रहा है तो आपका ए तो ऑप्शन नहीं हो सकता, तो ए को आप रिजेक्ट कर दो। ठीक है, अब इन 3 में से कोई सा एक आंसर हो सकता है। ठीक है, अब हम कुछ और इनपुट डालने की कोशिश करते हैं, हम 1 1 0 ये इनपुट देते हैं। ठीक है, अब 1 1 0 अगर हम इनपुट दें, अब हमें सिर्फ एबीसी को चेक करना है, अब हम ए की बात नहीं करेंगे क्योंकि हम ए को रिजेक्ट कर चुके हैं। ठीक है, जब ए को रिजेक्ट कर चुके हैं तो अगर हम 1 1 0 अगर हम इसमें पुट करके देखें तो अगर हम 1 1 0 यहां पे पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 0 प्लस 1 1 और इनटू 1 तो ये हमें देगा 1। उसके बाद यहां पर अगर हम चेक करें तो हमने क्या रखा है, सी को 0 रखा है तो 0 प्लस 1 1 इनटू 1 तो ये भी हमें देगा 1। और हम सी की जगह पर अगर हम देखें तो सी की जगह पे 0 है तो ये ओवरऑल क्या देगा हमें, 0। ठीक है, अब सेम हम यहां पर भी सप्लाई करते हैं, ये सारी चीजें जो मैं पहले सप्लाई कर रहा था इसको मैं रिमूव कर देता हूं और नए वाले इनपुट से अब हम चेक करते हैं। तो नया वाला इनपुट हमारे पास क्या है, नया वाला इनपुट है 1 1 0, तो यहां पर हमने दिया 1, यहां पर 1, यहां पर 1 और सी में हम दे रहे हैं 0, तो यहां पर 0 सप्लाई होगा, यहां पर 0 सप्लाई होगा। अब 1 एंड 1 1 तो हमारा आउटपुट कितना आएगा, 1। अब हम इस वाले पे देखें एंड गेट पर तो यहां पर 0 एंड 1 0 हमें देगा। ठीक है, अब हमारे पास यहां से कितना आ रहा है, 1, तो यहां से जब 1 आ रहा है तो 1 और 0 डिफरेंट हो गए, डिफरेंट पे हमें 1 मिलता है और यहां पर हमें क्या आ रहा है, 0 और 1, तो 0 और 1 का हमारा आउटपुट कितना आएगा, 0। 0 और 1 डिफरेंट हो गया तो हमें यहां पर आ गया 1। इसका मतलब कि हमारा आउटपुट 1 आ रहा है तो हमारा डी ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया। अब हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, बी और सी, बी और सी में से अब हमें चेक करना है। ठीक है, तो अब मैं पुराने इनपुट फिर से हटा देता हूं, अब हमें लास्ट बस एक ऑप्शन और चेक करना पड़ेगा जिससे कि हमें फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। तो फाइनल हमें इस तरह से अज्यूम करना है जिसमें कि हमारा बी और सी अलग अलग रिजल्ट दे, बी और सी हमारा अलग अलग रिजल्ट दे, ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन हो सकता है इन 8 में से, हम ये 2 तो ऑलरेडी चेक कर चुके हैं तो हमें कोई सा ऑप्शन चेक सोचना पड़ेगा। तो जैसे कि अगर हम इसमें अज्यूम करें 0 1 1, अगर हम 0 1 1 अगर हम रखें तो ये ओवरऑल 0 दे देगा। ओके, तो 0 1 1 सेटिस्फाई कर सकते हैं, 0 1 1, ठीक है, ये हमारा काम हो जाएगा। देखिए 0 1 1 अगर हम यहां पे रखें तो ये a 0 है और 1 प्लस 1 1 देगा और इनटू 0 तो ये हो जाएगा 0, और जब हम 0 1 1 अगर हम यहां रखेंगे तो 1 प्लस 0 इज 1 और 1 इनटू 1 1, तो ये हमारा आंसर हमें दे देगा क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचे हैं तो 0 और 1 में से कोई एक ही आउटपुट आएगा। अब हम इसमें चेक करते हैं 0 1 1 हम इसमें पुट करते हैं तो 0 1 1 और यहां पर 0 क्योंकि ये सॉरी ये बी है तो यहां पर भी हम 1 इनपुट देंगे। ठीक है, तो अब यहां का रहा 0 और 1 0 और यहां से अगर हम इस एंड गेट से देखें तो 1 एंड 1 1 और अब इस गेट पर हम जाते हैं इस वाले गेट पर तो यहां से 1 सप्लाई हो रहा है तो 1 और 0 0 और यहां से हमारा 0 सप्लाई हो रहा है तो 0 और 1 डिफरेंट है, डिफरेंट पर हमें 1 आउटपुट देता है और यहां से भी दोनों डिफरेंट है तो डिफरेंट पे 1 आउटपुट होगा, तो 1 पे हमारा सी आंसर करेक्ट है तो हमारा यहां पर डी ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया। तो इस तरह से अगर इसके क्वेश्चन करेंगे तो हमारा बहुत इजीली ये सिंपलीफाई हो जाएगा।